वेलकम बैक वंस अगेन टू व्लॉग्स विद रजनी। तो वैसे आगे मैंने बताया कि मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की, लेकिन अब जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी हूँ तो मैंने सोचा मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ले लेती हूँ मैं हर चीज़ की, तो मैं ये भी शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने मेहंदी लगाई थी, शायद तीसरे नवरात्रियों को लगाई थी और मुझे काफ़ी प्यारा सा डिज़ाइन लगा। ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा जो इधर का है, ये वाला डिज़ाइन। आप लोग बताना आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो बताना, बुरा लगा है तो भी बता देना अगर बताना चाहते हो तो, क्योंकि आज तक कोई कमेंट करता नहीं, मैं ज़्यादा बोलती हूँ, बट हाँ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये वॉइस मेरी पता नहीं आप लोगों को आएगी या नहीं, मैं थोड़ा सा लाउड बोल लेती हूँ। ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने कराया था कीर्तन, तो मैं भाग गई थी और सब फ्रेंड्स ही थी यहाँ पर, और ये जो सामने खड़ी है ये भी मेरी फ्रेंड ही है। तो ये यहाँ पर मतलब काफ़ी आनंद आया, बाकी आप ओरिजिनल सुन लीजिए। यहाँ पर ये उसके दो दिन नहीं नेक्स्ट डे की वीडियो है 26 की। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मैं और मेरी बेटी। तो मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स ये भी ले ली है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा देर तक तो मैं व्लॉग अभी बाहर नहीं कर पाती हूँ और मुझे नहीं लगता मैं कभी कर भी पाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी हम मार्केट भाग चुके हैं और मार्केट में पता नहीं क्यों आज बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से वाहन भी खड़े थे, पता नहीं क्या था, काफ़ी रोड खाली खाली सी नज़र आ रही थी, जबकि आज मार्केट बंद तो था नहीं, मार्केट तो सारा खुला हुआ है, ट्यूसडे को होता है बंद। तो यहाँ पर मैं यहाँ कुछ टॉप्स वगैरह देख रही थी, जो लेना था वो ले चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं फिर भी एक देख लेती हूँ, अगर पसंद आया तो मैं बेटी के लिए ले लूँगी। तो अभी हमको हो गई है बिल्कुल रात, मतलब रात तो नहीं, हल्की रोशनी है, दिन छिप चुका है, हम लोग वापस आ रहे हैं और आते हुए ना सारे में रोशनी रोशनी, तब ऐसे टाइम पर मुझे मार्केट बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे यहाँ की शिव मूर्ति, जो मैं ठीक से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन बहुत सुंदर लगता है रात का समय मार्केट में। मुझे मार्केट जाना मुझे विशेष तौर पर ऐसे जब होता है ना रोशनी। वेलकम बैक, व्लॉग तो पहले शुरू हो रखा है, आपने देख ही लिया। थोड़ी सी मार्केट गई थी मैं, थोड़ा सा काम था, काम किया था, बेटी का बर्थडे है और आज है चौथा नवरात्र है ना आज, और पांचवा ट्यूसडे से शुरू हुए थे है ना, पता नहीं चौथा या पांचवा है, 26 है डेट, मुझे ये याद नहीं है। और मैंने सिर्फ फर्स्ट डे व्लॉग किया था, उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया है, अभी तक वही सीरीज मेरी चल रही है आपके साथ। तो आज मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। थोड़ा सा स्पेशल डे होने वाला है कल, 27 मार्च है, कल बहुत स्पेशल डे है। क्या है मैं बता देती हूँ, कल है मेरी बेटी का बर्थडे, और जो किसी त्यौहार से कम तो होता नहीं है मेरे लिए, बच्चों का बर्थडे हो या हस्बैंड का बर्थडे हो। तो बेटी की जरा सुबह से काम में लगे हुए थे हम लोग, तो बेटी का थोड़ा सा मुँह ना ऐसा लग रहा था, मैंने उसको बोला नहीं था कि शाम में मार्केट जाना है, फिर मैंने शाम में उसको अचानक से बोला 5:15 बजे के फटाफट तैयार हो, कह रही किस लिए, मार्केट चलना है तो खुश। और अभी मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए अपनी दुकान लगा करके बैठी हुई है, उसको करा के लाई हूँ मैं शॉपिंग, तो मैं आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो चलो आज बेटी के साथ ही शेयर करती हूँ मैं, ये देखिए थोड़ा सा नीचे कर बाबू, थोड़ा सा नीचे, ये उसके लिए है एक नाइट सूट, और बाबू थोड़ा सा नीचे, और एक ये है पेयर है, ये ऊपर टी शर्ट है, और एक ये है, तो ये दो तो उसके नाइट सूट हैं, और एक है ये टॉप, ये देखिए इस तरीके के टॉप काफ़ी चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये एक टॉप ये है, इसमें बेल्ट दी हुई है ये वाली, तो फिटिंग के लिए,
काफ़ी अच्छा सा लगा, क्योंकि अब समर आ रही है, समर में इस तरह का प्रिंटेड हो, कुछ भी प्रिंट हो या फ्लोरल हो तो अच्छा लगता है। और एक ली है ये सिंपल टी शर्ट, इसका कलर इसमें थोड़ा सा अलग आ रहा है। एक ये टी शर्ट ली है, और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है ये है टॉप, फ्रिल वाला। फ्रिल वाला ना कुछ भी हो, गाउन हो, टॉप हो, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे यही चीज़ें लगती हैं। और ये ली है उसने चप्पल, और एक मैं आपको थोड़ी सी चलो दिखाई देती हूँ। ये देखो हम लोगों ने लिया बिल्कुल सेम सेम चप्पल, इसको ना सेम सेम बहुत रहती है, सूट वगैरह भी काफ़ी बार बोल चुकी है कि सेम सेम पहनेंगे। तो ये छोटी सी शॉपिंग मैं उससे करा करके लाई हूँ, क्योंकि अब समर आ रहा है तो समर की ही शॉपिंग करानी है। और देखिए अपने लिए मैं क्या लाई हूँ, लगा करके दिखाती हूँ, अब बताना कैसा लग रहा है। बैक कैमरा से दिखाती हूँ, दिखाया वैसे ये इस तरह से लगाने का नहीं है, चल तो बहुत दिन से रहा, लेकिन पहले मुझे पसंद नहीं थे, शादियां भी गई हैं, दो तीन शादियां हो चुकी हैं, लेकिन मैंने एक में भी नहीं ली, क्योंकि पता नहीं क्यों आज मन किया तो मैंने ले लिया। कोई ऐसा कुछ खास ये भी नहीं कि मैं बहुत पैसे फूक करके आई हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है। और एक ये कुछ अलग सा है, सिर्फ कलर चेंज है, हस्बैंड की और अपने बेटे की भी मैं सेम सेम लेके आई हूँ। मैंने सोचा इस बार इन दोनों की सेम और अपनी दोनों की सेम ले लेती हूँ। और हाँ मैंने लगाई थी ये मेहंदी, ये लिखा हुआ है पी, पी से मेरे हस्बैंड का नाम है, तो मैंने इस तरीके से ये लिखा हुआ है। मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया, तो ये मैंने मेहंदी लगाई थी कुछ इस तरीके की, और इधर ये वाला डिज़ाइन मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आया। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसी लग रही है, और प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा अगर बताना चाहे तो। जय माता दी, व्लॉग कल से शुरू हो रखा है तो मैंने सोचा कंटिन्यू कर लेती हूँ। सुबह की साफ़ सफाई और सुबह का जो भी काम होता है वो निमट गया है। बेटी का बर्थडे है जैसे कि आप लोगों को पता ही है, तो वो जा चुकी है अपने कॉलेज, और मेरी अभी पूजा होके निपटी है। आज मुझे अकेली कोई पूजा करनी पड़ी है, जो थोड़ी सी अभी भी उठी हुई है। पूरे घर में ऐसे बहुत अच्छी जोत उठी थी आज मेरी, पूरे घर में ना उसका जो धुआं होता है वो सारे में हो रखा है, अलमारी अलमारी सब खुली पड़ी है। बेटा नहाने गया था तो उसने ऐसे फैला रखा है, उसके पापा नीचे कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने उसको बुला लिया, तो अभी वो नीचे है। आज इनको थोड़ा सा काम था तो मुझे पता नहीं कि बैठा नहीं जा रहा था, मैंने सोचा जल्दी पूजा करके मैं थोड़ा बहुत कुछ फल वल खा लेती हूँ। तो थोड़े छोड़ो छोड़ो इग्नोर करते हैं, तो चलिए अभी मैं कुछ फलाहार कर लेती हूँ।